टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5.7. यस्टरडे आई हैव डिस्क्राइब्ड यू अबाउट क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अकॉर्डिंग टू दैट अंडरस्टैंडिंग वी विल सॉल्व दिस ट्रू फॉल्स वन बाय वन. नाउ फर्स्ट ट्रू फॉल्स हेयर यू कैन सी दिस इज ईच एंगल ऑफ अ राइट ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. सो दैट आई हैव टोल्ड यू कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं. दैट्स वाई दिस इज ट्रू. फर्स्ट वन इज ट्रू. नाउ सेकेंड वन, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. दिस इज ऑल्सो ट्रू. वी नो दैट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. नाउ द डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जो डायगनल्स होती हैं स्क्वायर और रोम्बस की, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. कहाँ पे करती हैं? 90 डिग्री पे. और जब भी टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हो 90 डिग्री पे, तब हम उसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. सो दैट्स वाई द डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. नाउ डी पार्ट, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ. दिस इज ऑल्सो ट्रू. स्क्वायर और रोम्बस की सारी साइड्स, ऑल फोर साइड्स जो भी होती हैं, वो इक्वल होती हैं. नाउ ई पार्ट, ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. दिस विल बी फॉल्स क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल और पैरेलल होती हैं. सारी साइड्स इक्वल और पैरेलल होना नेसेसरी नहीं है. नाउ एफ पार्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल. तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो पैरेलल होता है, लेकिन दोनों पेयर नहीं होते. यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ अपोजिट साइड्स. अब यहाँ लिखा होता है इफ़ द वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, देन इट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि अपोजिट साइड्स वन पेयर के लिए कह रहे हैं या दोनों पेयर के लिए कह रहे हैं. यहाँ पे दोनों पेयर के लिए आ रहा होगा, तभी यहाँ पे अपोजिट साइड्स गिवन है. सो लास्ट टू विल बी फॉल्स एंड फर्स्ट फोर विल बी ट्रू. Now here question number 2, give reasons for the following. So one by one we will read and then we will give reason for this. Number 1, a square can be thought of as a special rectangle. Square ko hum special rectangle kyun keh sakte hain? Now let's see the answer. Now this is the reason of first part. A rectangle with all sides equal becomes a square. अगर किसी रेक्टेंगल की सारी साइड्स को हम इक्वल कर दें, तब वो एक स्क्वायर बन जाता है. दैट्स वाई हेयर द रीजन इज अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर. नाउ दिस इज सेकेंड बी, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम. तो रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं? नाउ वी विल सी हेयर रीजन फॉर दिस. नाउ लेट सी. Now this is the reason of second B, a parallelogram with each angle a right angle becomes a rectangle. अगर किसी parallelogram के सारे angles 90 degree हो जाएं, या उनमें से एक भी angle 90 degree हो जाए और बाकी सारे अपने आप 90 degree हो जाते हैं उसकी property से, तो वो एक rectangle form करेगा. Now second C part, a square can be thought of as a special rhombus. स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस क्यों कह सकते हैं? नाउ लेट्स सी द रीजन बिहाइंड इट. नाउ दिस इज द रीजन ऑफ सेकेंड सी, आ रोम्बस विथ ईच एंगल एट राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर. अगर किसी रोम्बस के सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएं, तब वो एक स्क्वायर बन जाता है. नाउ स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स. तो स्क्वायर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स क्यों हैं? नाउ लेट्स सी द रीजन बिहाइंड इट. नाउ इन द सेकेंड डी, गिवन फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स. तो इसलिए वो एक क्वाड्रिलेटरल हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग बताया था मैंने? क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ फोर स्ट्रेट लाइन्स. तो फोर स्ट्रेट लाइन्स से ही सारी फिगर्स जो गिवन है, स्क्वायर है, रोम्बस है, तो ये सारी फिगर्स जो हैं ये फोर लाइन सेगमेंट से बनी है, इसलिए हम इन्हें क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. नाउ द लास्ट वन, सेकेंड ई पार्ट, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम क्यों है? नाउ लेट्स सी द आंसर फॉर दिस.
Now, reason of second is the opposite side of a square are parallel, so it is a parallelogram. Square और parallelogram में square एक special type का parallelogram इसलिए है क्योंकि opposite sides square की parallel होती हैं और equal भी होती हैं, इसीलिए वे एक parallelogram है. Now question number 3, a figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. कोई भी figure जो है वो regular तब कही जाती है जब उसकी सारी sides आपस में equal हों और सारे angles आपस में equal हों. So can you identify the regular quadrilateral? तो regular quadrilateral क्या होगा? Square होगा. क्योंकि स्क्वायर के अलावा कोई और क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हों. किसी में सारी साइड्स इक्वल होंगी लेकिन एंगल इक्वल नहीं होंगे, किसी में सारे एंगल्स इक्वल होंगे लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होंगे. सिर्फ स्क्वायर ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो जो जब भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात होगी तो वो क्या होगा? स्क्वायर होगा.